नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड के रारो पंचायत सचिवालय भवन में मंगलवार को सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम MEDP के अंतर्गत 15 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। डंडई प्रखंड के रारो पंचायत सचिवालय भवन में मंगलवार को सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम MEDP के अंतर्गत 15 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन DDM नाबार्ड गढ़वा के लक्ष्मण कुमार, जिला परिषद मोहन पासवान, मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर, सिविल स्पॉट राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित DDM नाबार्ड लक्ष्मण कुमार ने बताया कि ये सिलाई कढ़ाई व्यवसायिक प्रशिक्षण आगामी 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें पंचायत की महिलाएं युवतियां प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षण में वह सिलाई कढ़ाई सीख कर और कहीं भी अपना और अपने परिवार की आजीविका चला सकती है। कार्यक्रम से महिलाएं रोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगी। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का प्रशिक्षण बहुत ही जरूरी है। प्रशिक्षण पाकर क्षेत्र की युवतियां व महिलाएं अपना रोजगार कर सकती हैं। उन्होंने उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, अपने हाथ का हुनर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वहीं प्रशिक्षक विनीता देवी ने कहा कि सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन समय समय पर किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों को आत्मनिर्भर व स्वरोजगार पाने का मौका मिलता है, जो हमेशा काम आता है। कार्यक्रम का संचालन विजय कुमार ने किया। मौके पर जलछाजन समिति के प्रखंड अध्यक्ष तारा देवी, पप्पू यादव, महावीर यादव, तुलसी यादव, सुनीता देवी, ममता देवी के साथ साथ कई लोग उपस्थित रहे। नाबार्ड नाम की एक संस्था बनाई गई हमारे संसद के द्वारा। मतलब नाबार्ड जो है इस देश में एक सर्वोच्च सबसे ऊंची संस्था है अपने क्षेत्र की। और इसका नाम क्या है? नाबार्ड अंग्रेजी में है NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, बैंक लगा हुआ है लेकिन ये आम बैंक की तरह नहीं है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक भी बैंक लगा हुआ है लेकिन वो आम बैंक को नहीं है, वो आपको लोन नहीं देता है, वो बैंकों का बैंक है। वैसे ही नाबार्ड भी बैंकों का ही बैंक है। और ये आप लोगों के बीच ग्रामीण बैंक आप लोग जानती होंगी, ग्रामीण बैंक है ना, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, तो उसका रेगुलेटर है। या फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के बीच तो नहीं है, कई राज्यों में होता है, टैक्स वगैरह होता है, टैक्स तो आप जानती हैं, टैक्स होगा आप लोगों के इलाके में भी, टैक्स है ना, टैक्स का नाम सुना है आप लोगों ने, प्राइमरी एग्रीकल्चर ट्रेड सोसाइटी, उसके ऊपर DCC भी होता है, पहले था यहाँ पलामू में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, उसका भी रेगुलेटर नाबार्ड। ठीक है, इसके साथ ही नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई? नाबार्ड की स्थापना की गई थी कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो हमारे किसान हैं या हमारे देश की ऐसी जनता है, गरीब है, उनका उत्थान करने के लिए उनको क्रेडिट मतलब ऋण की सुविधा जो है आसानी से मिल सके, उसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इस संस्था का काम क्या है? हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान होते हैं उनको ऋण कैसे मिलता है? आप लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड का नाम सुना होगा, KCC सुना होगा। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड में क्या करती है नाबार्ड? वो कहती है सारे बैंकों को कि 3 लाख रुपए तक का ऋण आप कम ब्याज दर पे 7% के ब्याज दर पे दीजिए, ताकि किसानों को सस्ता ब्याज दर मिल सके। ये 7% बहुत कम ब्याज दर होता है आज के समय में। अगर मैं जाऊंगा बैंक से लोन लेने के लिए तो बैंक हमको 12-13% वार्षिक ब्याज दर पे देगी, लेकिन उसी किसान को, एक किसान को खेती करने के लिए 7% पे ऋण मिलता है 3 लाख। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। लाल और पीला राशन कार्ड के हकदार होंगे। आयुष्मान योजना के हकदार प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष मुफ्त स्वास्थ्य लाभ। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।